थानू रोड पे शूटिंग चल रही है, यहाँ होती रहती है आए दिन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज हम जा रहे हैं साइकिल से स्टंट करने के लिए। हम जाएंगे एयरपोर्ट। एयरपोर्ट रोड बहुत अच्छी है, वहाँ पे हम स्टंट करेंगे जाके। और आप देख सकते हो आज मौसम पूरा साफ हो चुका है और व्यू भी क्या मस्त आ रहा है। तो आगे से हमारा एक दोस्त मिलेगा, उसे भी उठाएंगे हम, फिर चलते हैं साथ में। दोस्तों पहुँच चुका हूँ अपने दोस्त के घर। ये देखिए आ चुका है मेरा दोस्त और हम बिल्कुल तैयार हैं एकदम स्टंट करने जाने के लिए। रेस की साइकिल पे चलते हैं। रेडी हो आतिफ आप? बिल्कुल रेडी। चलो फिर हम भी चलते हैं, मिलते हैं सीधा। सीधा क्या, अभी आपको थोड़ा सा ब्लॉगिंग दिखाएंगे, उसके बाद सीधा एयरपोर्ट मिलेंगे। चलो फिर ये आ चुके हैं हम भानियावाला। ट्रैफिक रूलों का बिल्कुल पालन उल्लंघन नहीं करेंगे। मेरा एक और दोस्त था, मेरा दोस्त आगे जा चुका है, एक कार वाले हैं, बहुत परेशान करते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं अब एयरपोर्ट के। एयरपोर्ट मतलब पहुंचने वाले हैं कुछ देर में, थोड़े ही दूर है। ये देखते आप व्यू देखिए, क्या खतरनाक आ रहा होगा इस टाइम ना। इस टाइम का व्यू कुछ और है यार, नज़ारे मस्त होते हैं। पर हमें बहुत टाइम हो चुका है, दोपहर हो चुकी है। ये क्या, अबे यार लोगों ने भयंकर रोटियाँ भी रोड पर डाल रखी। ये देख सकते हैं आप गाइस, साइड में रख दिया यार बिल्लू यार इसे। तो ही नहीं आगे से ध्यान रखिए, जब भी आप किसी जानवर को रोटी दें तो उसे साइड में रख दें, ऐसे रोड पे ना फेंके इसे। वही तो सही बात है। दोस्तों आप देख सकते हैं हम यहाँ पहुँचने वाले हैं एयरपोर्ट। आतिफ, ओए आतिफ, अबे जरा ना। ये देख सकते हैं हम आधे रास्ते में पहुँच चुके हैं। तो आपको भूख लग रही? धूप तो हो रही भयंकर, बहुत खतरनाक धूप हो रही है। देखो सूरज बिल्कुल सिर पे है। आज हमें थोड़ा लेट हो गया मतलब ना, आज हमें थोड़ा मॉर्निंग जल्दी चलना चाहिए पर हम लेट निकले घर से। तो टाइम कितना, 10 बज गए होंगे, 10:30, 11:30 बज रहे होंगे। तो चलो फिर मिलते हैं आपको सीधा एयरपोर्ट पर। हम तो आगे चलेंगे ना सोले रोड पर अपने वाले पर। तो देखिए जा रहा है एयरपोर्ट का रास्ता था, पर हम एयरपोर्ट में अंदर नहीं जाएंगे, अंदर जाने का रास्ता है, हमें चलना है इधर क्योंकि हमें अपने स्टंट की प्रैक्टिस करनी है। तो हम इस वाली रोड पर जाएंगे। ये क्या हो रहा है, कुछ शूटिंग वगैरह चल रही है शायद। ये किसी चीज़ की शूटिंग चल रही है यहाँ पर। किसकी चल रही है? पता नहीं किसी गाने की। थानू रोड पे शूटिंग चल रही है, यहाँ होती रहती है आए दिन। यहाँ पे कर्मा सॉन्ग की भी शूटिंग चली थी, बाबू भैया का कर्मा सॉन्ग। ये हम थानू रोड पे आ चुके हैं, हम थानू रोड पे आ चुके हैं, हम पहुँच चुके हैं। अब यहाँ हम करेंगे स्टंट, यहाँ लगाएंगे हम अपना कैंप। जो हमारी जगह थी वहाँ बाबू भैया शूट कर रहे हैं, तो फिलहाल हम उन्हें परेशान नहीं करेंगे। तो दोस्तों यहाँ ट्रैफिक की वजह से हम यहाँ पर अपनी प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, यहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो हम कोई खाली रोड पे चलते हैं, वहाँ करेंगे थोड़ा प्रैक्टिस, वहाँ दिखाते हैं आपको थोड़ा हो ही पाई तो। उठ पाया तो हमने कोशिश बतेरी कर ली, उठ को रानी वैसे, पर फिर भी करेंगे। चलें
तो दोस्तों हमारी प्रैक्टिस हो चुकी है पूरी, हम चलते हैं अपने घर की ओर। कुछ रास्ते में आपको दिखाएंगे थोड़ा बहुत बना, तो वरना फिर सीधा घर मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे से थोड़े बहुत स्टंट हुआ, मतलब व्हीली की प्रैक्टिस करी थी, अभी तो आगे से उठाने गई, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस हुई हमारे से, थोड़ी बहुत उठाई गई। बाकी हम आगे अपना बैट लेने की पूरी कोशिश करेंगे, हो जाएगा एक दिन में, कोई नहीं सीखता। आज तो हमारा पहला दिन ही था, पहले दिन भी फिर भी हमने काफ़ी कर लिया, बहुत अच्छा है, हमें ग्राउंड मिल गया था अच्छा, वरना रोड पे नहीं हो पाती। रोड पे देख रहे हैं आप कितनी रोड चल रही है, यहाँ का कितना ट्रैफिक हो रहा है, यहाँ पर नहीं पता भाई, ये देख इतनी तेज भाग रही है साइकिल, यहाँ तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, अगर अपना ही भाग रहे बहुत तेज। दोस्तों बिल्लू आगे निकल चुका था मेरे से, तो मैंने इसे पकड़ लिया। अब चलिए यार बिल्लू, हम घर चलते हैं, फंस तो गए मेरे से, आज जरा सी उठी यार बस। ऐसा कर यार मेरी रील बना देगा तू, मैं इंस्टाग्राम पे डाल लेना मुझे, जितनी भी उठी थोड़ी बहुत आगे से, ठीक है ठीक है, यही रोक लो एक सेकंड, तू वीडियो बना मैं उठा के देखता हूँ, अगर थोड़ी बहुत तो उठेगी रील के लिए वीडियो बनाते हुए। क्या हो गया भाई, क्या हो गया भाई, और गाड़ी चलाऊंगा, क्या बात हुई, अरे मैं जरा आगे उठा क्यों चला रहा है भाई, मेरी गाड़ी मेरा क्या डूबता भी मरता है मेरा, क्या मर जाएगा तू, हां तो मरता ही वो मरता ना, मैं थोड़ी मरता, क्या बात है, अरे क्या बात कर रहा है, मैं तो बात कर रहा हूं कि गाड़ी ढंग से चला रहा, तभी चला रहा है, तभी से चला रहा है, रोड पे चला रहा है, तेरा बाप, तेरा बाप की रोड है क्या, बाप की रोड भी नहीं है, ओ भाई कौन था यार बिल्लू, अगर बिना फालतू पंगे ले रहा, ऐसे ऐसे लोग भी होते हैं दुनिया में, देख लो तुम साइकिल पे भी जीने दे रहे हो, साइकिल पे परेशान कर रहा हूँ, अबे धक्का दे दिया ना उसने मुझे, अगर वरना पकड़ लेता तो धक्का दे दिया उनने मुझे, किस्मत अच्छी है उसकी, अगर तो ठीक हुआ, मैं चोट चाटने लगी, अगर वहाँ धक्का दे दिया उन्होंने बिना फालतू यार, तो दोस्तों ठीक है फिर, ये तो होता रहता है, चलते हैं फिर आगे। तो दोस्तों कैसी लगी आपको हमारी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को आगे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और व्हीली की भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपने देखा कि हमारे से थोड़ी बहुत उठी है, तो भी हमें हाईवे पे ट्राई नहीं करना चाहिए था, वैसे भी हो सकता है ना दिक्कत आ जाती है, कोई नहीं आगे से नहीं करेंगे हाईवे पे, हम पहले वैसे जब अपने पूरी करनी सीख जाएंगे ना उसके बाद करेंगे हाईवे पे, खड़े खड़ी करके चलाएंगे एंकर से, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।